शुभारंभ दे रहे हैं तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी इम्प्लाईज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं, इसलिए कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, डिस्ट्रिक्ट कार्डर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है। अगर कश्मीर डिवीजन का इम्प्लाई है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है, संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही, मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल अगर कोई है तो।